कपड़ा बच जाओ या फिर दोबारा फेंक जाना, फायर करके फेंक दो। तो भाइयों जैसे तेज हवा चली तो ये गन्ना पेड़ी जो थी खेत की तरफ ढहरी थी सारी। तो पहले तो ये खूड़ बांध रहे एक ऊपर को सरका के और पेड़ कटवाया भाइयों यहाँ से हमने, जिसमें बहुत बड़ा पेड़ था सरसों का सिस्टम का। और इस खेत में इसीलिए हमें एक क्यारे में हरा चारा पशुओं के लिए कभी कुछ बो लिया तो गन्ना नहीं बो रहे थे क्योंकि छेल हो रही थी। देख लो इधर भी गन्ना पौधा सारा खराब हो रहा छेल में, इतना बड़ा पेड़ था वो। तो अब का वो कट गया तो इसमें पूरे का पूरा 10 बीघा खेत है वो, दो टुकड़ों में से कर देंगे, 5-5 बीघे दोनों तरफ हो जाएगा इक्का इक्कड़ का। तो इसमें छेल लगभग अब ख़त्म सी होगी। तो पहले इन मैडों को ऊपर को कर रहे भाइयों, उससे बाद में जो है थोड़ी सी ओस सी ख़त्म हो जा तो रूटावेटर के द्वारा ही बोऊंगे इसे, क्योंकि इसमें टीलर मैडे में लंबी फंटी है, कूड़े काने छोटे खेत में जो है रूटावेटर से अच्छे हो जा। तो सरसों का बीज पिछले साल में लेकर आया था, उसमें बच रहा था एक पाव हमारे पास में, क्योंकि बराबर वाले खेत में सरसों ही बोई थी, उसके बाद में गन्ना बोया था। तो एक एकड़ का बीज लेकर आया था मैं, तो वो बच रहा है खेत का पिछले साल वाला ही। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज सरसों की बुआई कर रहे हैं, देखो सरसों का सीजन चल रहा है बुआई का। और एक सरसों ऐसी फसल है जो किसान के लिए सबसे कम लागत की है, और आज के टाइम में अगर देखा जा तो ना तो तेल का भरोसा बाज़ार में कैसे कैसे तेल आ रही, ना खड़ का भरोसा। तो जो भाई अपना खेती कर रहे तो उनके लिए सरसों की फसल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपके पास में घर का अपना तेल होगा, पशुओं के लिए दे खड़ भी होगी। तो मेरे हिसाब से तो 1 या 2 बीघे या किसी को बड़े पैमाने में भी करनी, तो आज के टाइम में देखो मशीन के द्वारा निकलना भी आसान है, वो झंझट ख़त्म हो गए। पहले वाले कौन पीटेगा, कौन झाड़ेगा, इसे कौन भर के ले जाएगा बुग्गी में, तो सारी समस्या का समाधान हो गया, मशीन में खेत से निकल जा। तो एक सरसों की खेती एक अच्छा विकल्प है। कितने किसानों ने अब की बार में धान लगाई उसके बाद में सरसों की बुआई कर रहे हैं, सरसों की बुआई के बाद में गन्ना बहुत अच्छा होता है। बाकी कुछ किसान जो है सह फसल में भी सरसों की फसल ले रहे गन्ने में। तो आज भाइयों सुबह सुबह अपना खेत में आ गया, छुट्टी भी है, कुछ दिन भी छोटा हो गया, अब काम ज़्यादा फैल रहे क्योंकि फैक्ट्री भी चलने वाली है, गन्ना छुलाई भी, एक आदमी का इंतजाम नहीं हुआ आपके बारे में अब तक, तो बड़ी समस्या है। तो आज कई काम निपटाने, सोचा एक व्लॉग भी बना लिया जाए अपने भाइयों के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से अपने खेतों की वीडियो भी नहीं आ रही। तो भाइयों जो सुबह का काम था भाइयों, ये मैडे कर दिए ऊपर को, और उससे बाद में यहाँ पर जो गोबर डाल रखा हमने, घास फूस हो रहा था क्या दही, तो इसे भी सफा करा जा रहा बिल्कुल। और गोबर तो देखो हम कूड़ी अपना जिस खेत में गए हो, क्योंकि इसमें अब गन्ना बोगा पेड़ी कट के सारे में फागण का, तो इसी के पास ही गोबर रख लिया। गोबर के खाद अब कम है तो इसीलिए तसलों से डाल लिया जी, खेत के पास में लगा रखा। तो भाइयों ये देख लो जी, इस तरीके से अपना कूड़ी, ये सारा घास वास सब सफा कर दिया और धोरा वोरा इधर से फिट कर दिया। अब इसमें अपना थोड़ी ओसी उतर जा क्योंकि नमी ज़्यादा लग रही मुझे, तो इतने चारा वारा लेके चलेंगे, इतने नमी उतर जाएगी उससे बाद में करेंगे। तो भाइयों शाम के समय आए क्योंकि खेत में नमी थी ज़्यादा, और सरसों का बीज भी लेकर आना था, उसके लिए सल्फर भी लाए हम, तो एक बार बाज़ार गए थे। तो अब आए दोबारा से सरसों बोने के लिए, तो पहले एक बार रूटावेटर निकाल लिया, और उधर साइड का भी, यार ये भी गन्ना भी नहीं भरा गया इसके चक्कर में खेत के बोने के, क्योंकि इसमें डोली नहीं बच रही कोई सी तरफ भी। तो बुआई के बाद में इसमें पहले ही लगा दिया मैंने एक आदमी, ये मिट्टी इधर लगवा रही डोलियों पर दोनों साइड में, और हम अपना बीज बखेरा जी, अब DAP डालते हैं इसमें, 2 धड़ी तो DAP डाल लूँगा मैं, और 2 किलो भाइयों इसमें 1 से 1.5 बीघा हो गया सल्फर, और 1 पाव बीज बहुत है 250 ग्राम में। घूमिया है भाई, तो यार खेत भर गया होगा वाला, कौन सा
तो सरसों का तो भाई ये देखो ये बीज इसमें यूरिया में डाला दिया, इस तरीके से बखेरने वाफर नहीं मिल जाएगी। और ये हो गया जी सल्फर दानेदार में 90%, और ये डीएपी होगी। मुझे कह रहे भाइयों, ये डेढ़ बीघा क्या रहा अपना, इसमें सरसों बो दी और आज सुबह से लग रही है अपना काम में। अब जो है दूसरे खेत में एक गांव के गोरे में, उसमें एक तो जई की बुआई करेंगे और फिर भाइयों उसमें खूड भी निकाल लूँगा मैं, क्योंकि उसमें मुझे सुपर नेपीरियर 4G बुलेट भी बोना परसों। तो अब उस दूसरे खेत में चलते हैं। तो यही है सरसों की बुआई, सभी किसान भाई करें अपने लिए, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में भी बोला, तो बहुत अच्छी फसल है किसान के लिए। तो कुछ भाई ये कमेंट करेंगे कि सरसों का बीज नहीं बताया। भाइयों देखो, मेरे ध्यान नहीं रहा, पिछले साल मैं अपने यूनिवर्सिटी से मेले में से ही ये बीज लेकर आया था, उसी का बच रहा था एक पाव बीज 250 ग्राम, वो इसके लिए ही बच रहा था, क्योंकि इधर जो है 3 बीघे सरसों बोई थी पिछले साल, तो वही मेरे ध्यान नहीं वो कौन सा था।